जिला श्योपुर की तहसील कराहल में पीएम मोदी की सभा की भीड़ को गुरुद्वारे ने कराया भोजन पानी। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर कराहल के कुनो अभ्यारण्य में अफ्रीका से लिए हुए 8 चीतों को छोड़ा था। उसके बाद कराहल में उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं के नाम पर संबोधन सभा ली थी। इन सब के लिए एक बड़ी भीड़ जुटाई गई थी, जिनके लिए खाने पानी की व्यवस्था ठीक तरह से प्रशासन के द्वारा नहीं की गई थी। भोजन पैकेट भी खराब गुणवत्ता के बनाए गए थे, इनसे बदबू आ रही थी। नतीजा कर्मचारी जनता खाना और पानी के लिए भटकते नजर आए। तब जाकर गुरुद्वारा प्रबंधन के द्वारा हजारों जनता, मंत्री और बीजेपी नेताओं को भोजन उपलब्ध कराया गया और सांसदों की भाई फतेह। जैसे नरेंद्र मोदी आया था, गरीब जनता बहुत इकट्ठी हुई थी, लेकिन वहाँ खाने पीने व्यवस्था नहीं थी। जो भोजन आया था उसमें बदबू आ रही थी। पुलिस वाले पूरे ऑफिसर थे, सब गुरुद्वारा में आके लंगर छकानों ने पानी पिया। 3 दिन से लंगर चल रहा 24 घंटे, तो गरीब जनता भी आई, उसने पानी पिया, रहने की व्यवस्था थी, रात को रुके भी थे। तो गुरुद्वारा से सब गुरुद्वारे सेवा समिति के सदस्यों से, जिन्होंने पिछले 3 दिन से प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम में खाने से लेकर पानी एवं समस्त सेवाओं को उनको प्रशासन के अधिकारियों व मंत्री और सांसदों को दिया, कैसे क्या व्यवस्था आपने उनको लगाई थी, मतलब कैसे क्या प्रबंध किया था? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साड़ी जो कि मान लो प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने जो कि 17 तारीख कुन्नो नैशनल पार्क में चीते छोड़ने के लिए आना था, उसके बाद उनका फंक्शन था कराल में लोगों का संबोधन करने का, जहाँ पर कि साथ में ही हमारा गुरुद्वारा साहब है जो सिख धर्म से संबंधित है। वहाँ पर एक 80वें महीने संग्रांत का दिहाड़ा था, जो कि प्रशासन ने जो कि पुलिस कर्मचारियों के लिए, आने जाने वाली संगतों के लिए जो प्रशासन ने काम करना था वो उनके से नहीं हुआ। कम से कम 10,000 लोगों ने, मंत्री, पुलिस कर्मचारियों ने और आने जाने वाले राहगीरों ने उस गुरुद्वारा में जल पानी छका और खाना छका और धन्यवाद किया। और जो प्रशासन से लोगों को उम्मीद थी, उनको वहाँ पे कुछ मिला, ना ही पानी की व्यवस्था थी ना ही खाने की थी। और सुबह 7 बजे से लगकर शाम के 6-7 बजे तक गुरुद्वारा साहब में सिखों ने लंगर किया, जल पानी की सेवा की, आने जाने की जितनी भी सुविधा थी वो सिख धर्म के लोगों ने की। हमारी प्रशासन से